नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर, योगी राज में भू माफियाओं के हौसले बुलंद। पति की तलाश में गई पीड़ित पत्नी को प्रबंधक ने पीटा। बलिया के गोपाल आईटीआई के प्रबंधक पर लगा गंभीर आरोप, शराब की नशे में दबंगों के द्वारा जमीन लिखवाने का मामला। पीड़ित पत्नी बच्चे पहुंचे डीएम दरबार, पीड़ित पत्नी ने लगाया न्याय की गुहार। मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के जीरा बस्ती गांव से जुड़ा है। खबर बलिया के डीएम कार्यालय से है, जहां पहुंची पीड़िता चांदनी देवी ने बताया कि हमारे ही गांव के धर्मेंद्र तिवारी उर्फ डुलडुल पुत्र गोपाल तिवारी अपने साले दुर्गेश राय के साथ ही राकेश सिंह, रघुनाथ सिंह, अनिल सिंह जो परिखरा के रहने वाले हैं, अन्य लोगों के साथ 15 तारीख को सुबह 6 बजे मेरे पति अंजनी तिवारी को जबरदस्ती उठाकर अपने विद्यालय गोपाल आईटीआई में बंधक बनाकर रखे। इसके बाद मेरे पति को शराब पिलाकर नशे में धोखे फराट कर जमीन बनामक करा लिया गया। वहीं पीड़िता ने बताया कि 19 तारीख को पूछताछ करने अपनी जेठानी रिंकू के साथ विद्यालय पर गई थी, जहां डुलडुल तिवारी के द्वारा मुझे बद्दी बद्दी गालियां देने के साथ ही थप्पड़ मुक्के से मारा पीटा गया। वहीं पीड़िता चांदनी देवी ने बताया कि मेरी जमीन को कुछ लोगों के द्वारा जबरिया हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि सुखपुरा थाने पर लिखित शिकायत देने के बावजूद अभी तक ना तो रिपोर्ट दर्ज किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई। न्यूज 9 भारत के लिए बलिया से कंचन सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका? चांदनी देवी। कहाँ से आई हैं? जीरा बस्ती से। कौन सा थाना पड़ता है? सुखपुरा। जिला अधिकारी कार्यालय पर आई हैं, क्या है मामला? डुलडुल तिवारी जमीन लिखवा लिए हैं मेरे पति से, अंजनी कुमार तिवारी से, दारू पिलाकर। जब जमीन लिखवा कर उस दिन से घर पे नहीं आने दे रहे, कहाँ लेकर गए हैं कोई पता नहीं है। जब हमको पता चला कि वो स्कूल पर अपने रखे हैं तो हम खोजने के लिए गए, वहीं पर वे थे। जब पूछने लगे कि हमारे पति का दर्द, तुम्हारा पति है हम क्या जानते हैं, तुम अपने पति से, तुम्हारे बीटू को लगती क्या हो, उनको लगती क्या हो तुम। हम बोले कि आप जमीन क्यों लिखवाए, तो कह रहे हैं कि अभी क्या लिखवाए, हम पूरा लिखवा लेंगे, अभी जितना बचा है उतना लिखवा लेंगे। और उसके बाद पूछने लगी तो हमको मारने लगे, पूरा मार। कौन मारा है आपको? डुलडुल तिवारी, धर्मेंद्र नाम है डुलडुल तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? जीरे बस्ती का रहने, और उनके सार मारे हैं और हमारे साड़ी खींचे हैं, हमारे बाल नोच रहे हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जमीन के लेकर विवाद हुआ है। वो जमीन कैसी है, किस तरह की वो जमीन है? जमीन हम दो भाइयों के बीच के है, तो अभी जमीन बटाया नहीं है दोनों भाई ने, और सब दारू दारू पिला पिला कर जमीन लिखवा रहे हैं। एक हमारी बेटी है। तो अभी आप जिला अधिकारी कार्यालय पर आई हैं, जिला अधिकारी महोदय से मिली? अभी मिली नहीं हूँ। तो ये जो जमीन लिखवाया गया है, जो आप आरोप लगा रही हैं, क्या ये पहले से बेचने का कुछ आप लोग का प्रोग्राम नहीं, था? नहीं, हम लोग को नहीं बेचने का प्रोग्राम था। कहाँ पे है ये जमीन? हमारे घर के पास ही है, जीरा बस्ती में। कितनी जमीन है? 32 का था। सारी जमीन लिखवा ली गई है? नहीं, 16 का था, 10 कट्ठा लिखवाए गए और 6 कट्ठा अभी महोदय करवाए गए। कब की घटना है ये? 16 अप्रैल को। अभी आपके पति कहाँ पे? वो पति वही लोग रखे हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं। जब पूछने लगे तो पूरा मारने लगे जोर जोर से हमको। तो आप थाने पे गई थी? हाँ, थाने पे गई। तो थाने के दरोगा बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा पति का मामला है, झगड़ा है, तुम जाओ कचहरी में, जाओ यहाँ, जाओ वहाँ, जाओ न्यायालय में, जाओ वहाँ मांगो तुम न्याय अपना, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम बोले कि सर, सरकार आपको किस लिए बैठा है? तो कह रहे हैं कि सरकार बैठा है, तुम जाओ यहाँ पर, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर चिल्लाओ मत। है आपका? रिंकू देवी। कहाँ से आई हैं? जीरा बस्ती से। क्या है मामला? आप लोग काफी संख्या में आए हुए हैं, एक बच्ची भी है छोटी सी, जिला अधिकारी कार्यालय पे, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। हमारे ये बहन लगती है, एक लिए मेरे छोटी जेठानी लगेगी, तो हम इसके साथ आए थे, उसमें हमारा भी हिस्सा है, अब हिस्सा का बंटवारा नहीं हुआ है, तब तक ये दारू पिला करके जमीन लिखवा लिए हैं। जब हम उसके जिस दिन से जमीन लिखवाए हैं वो घर पर नहीं गए हैं,
तो हम पता चला कौन जमीन लिखवाया है और किससे जमीन लिखवाया गया है। डुलडुल तिवारी जमीन लिखवाए हैं और अंजनी तिवारी से लिखे हैं। अब लिखे हैं कि वो तो बोलता है कि हम नहीं लिखे हैं, वे कहते हैं कि ये रजिस्टरी कर दिए। कागज है आप लोग के पास? कागज हमारे पास नहीं है। किस आधार पे आप कह रही हैं कि जमीन लिखवा दी गई है? रजिस्ट्री ऑफिस से कागज निकला है। रजिस्ट्री ऑफिस से जो आपने कागज निकलवाया है वो आपके पास अभी मौजूद है? हाँ। अभी वो कहाँ है अंजनी तिवारी जी? अंजनी तिवारी को वही तो पूछने गए स्कूल पर, पता चला कि उनको गोपाल ITI स्कूल पर है, तो हम लोग पूछने गए थे तो पूछ कहते हैं कि तुम्हारा अंजनी तिवारी लगता कौन है, तो हम कहे कि अंजनी तिवारी हमारा नहीं लगता है, तो तुम्हारा क्या लगता है, तुम क्या करोगे? मैं जगह जमीन को एक लड़की है, एक दीदी है, कहाँ जाएगी? तो अभी क्या लिखवाए हैं पूरा तुम्हारा, तुमको रोड पर ला देंगे। तो हम कहें ठीक है, इसीलिए कुछ न्याय होगा ना, तो बोल रहे हैं कि पुलिस दरोगा और कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं करेगा। किसके द्वारा कहा गया है ये बात? डुलडुल तिवारी बोले थे कि हम कोर्ट कचहरी मेरा कुछ नहीं करेगा। डुलडुल तिवारी कौन है? क्या कोई पहले से आप लोगों के बीच में विवाद चल रहा है? नहीं, पहले से विवाद नहीं है। ये विवाद है कि साल भर से हमारे पति को वे रखे हैं अपने संग में, तो अपने गोपाल ITI स्कूल पर रखते हैं कुछ काम करते, बोलते हैं कि हम 10,000 रुपया उनको महीना देते हैं। तो हम लोग बोले कि चलो कोई पर काम कर रहा है ना, तो वो पैसा 1 रुपया घर पर नहीं देता है, तो कहो चलो दारू पी लाते हैं अपने खर्चा निकालता है, तो निकालिए तो भी हम कुछ नहीं बोले। अब दारू पिला करके आए रजिस्ट्री करवा लिए, अपने जमीन उनको बेचवाते हैं या उनसे ही पैसा लेकर दारू पीते हैं पिलाते हैं, और स्कूल पर से घर नहीं जाने देते हैं। ऐसा सबूत है मेरा मोबाइल में, आप देख लीजिए वीडियो में देख लीजिए कि किसके। तो वो बोल डुलडुल तिवारी बोले हैं कि रितेश तिवारी उनका भाई है, तो हम पूछे कि वो कौन लड़की है जी, तो कहते हैं कि वो डुलडुल तिवारी का साली है। पैसा नहीं देखा जमीन लिखला पड़ता केहू नानु अनुपलला लेखन हूँ, ब्रजेश सिंह लेखन हूँ, सत्येंद्र तिवारी लेखन हूँ, अथी चौबे जी लेखन कोठौली के संजय लेखन हूँ, अंजन चौबे प्रधान जी केहू नहीं गवाही वाही में केहू लेखन हूँ कि तू कचहरी में गई नहीं गई बनी माने तू लिखले नहीं लिखले लेखन हूँ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।